गाइस, क्या शैम्पू इस्तेमाल करने के बावजूद भी आपका हेयर फॉल होता है, यानी कि बाल झड़ते हैं? अगर ऐसा है तो आपका शैम्पू इस्तेमाल करने का तरीका शायद सही नहीं है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर बिना तेल लगाए आप लोग शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे आपके बाल ड्राई होते हैं और उसी से आपके बाल झड़ने लगते हैं। इसीलिए शैम्पू इस्तेमाल करने से एक घंटा पहले आप चंपी जरूर करें, यानी कि अपने बालों में तेल जरूर लगाएं। इससे आपके बाल सॉफ्ट होंगे और मजबूत भी होंगे। ऐसी अमेजिंग टिप्स वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आमतौर पर रेस्टोरेंट्स में खाना प्लास्टिक डिस्पोजल्स में दिया जाता है, लेकिन ये प्लास्टिक के डिस्पोजल्स हमारे एनवायरनमेंट के लिए तो खतरनाक है ही, हमारी सेहत के लिए भी अच्छे नहीं होते। और इसी का सॉल्यूशन निकाला है बेंगलोर की दो महिलाओं ने, जिनका नाम है शैला जी और लक्ष्मी जी, जिन्होंने 100% ऑर्गेनिक टेबल कटलरीज बनाई है। अब इन टेबल कटलरीज की खास बात यह है कि इनमें खाना खाने के बाद आप टेबल की इन कटलरीज को भी खा सकते हैं, क्योंकि ये टेबल की कटलरीज दालों और मसालों से ही बनाई गई है और 100 से ज्यादा फ्लेवर्स में अवेलेबल है। अगर आप इन्हें ना भी खाना चाहें और इन्हें डिस्पोज कर दें तो ये 100% बायोडिग्रेडेबल है, और आप इनमें आइसक्रीम से लेके हॉट सूप तक, यानी कि गर्म खाने से लेके ठंडी चीजें तक परोस सकते हैं। आपको ये वंडरफुल इन्वेंशन कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। 24 नवंबर 1971 को पोर्टलैंड से सिएटल जाने के लिए डीबी कूपर नाम का एक आदमी एक फ्लाइट पे चढ़ता है। जैसी फ्लाइट हवा में होती है वो अपने पास ही खड़ी एयर होस्टेस को एक लेटर पकड़ाता है जिसमें लिखा होता है कि मेरे पास बॉम्ब है और तुम तुरंत मेरे पास आके बैठो। जैसी एयर होस्टेस कूपर के पास आके बैठती है वो उसे बॉक्स खोल के बॉम्ब दिखाता है और कहता है कि मुझे $2,00,000 प्लस 4 पैराशूट चाहिए, नहीं तो मैं सबको उड़ा दूंगा। शाम होते ही फ्लाइट जब सिएटल पे लैंड करती है तो डिमांड के मुताबिक $2,00,000 प्लस 4 पैराशूट ऊपर को दे दिए जाते हैं। फिर वो उसी फ्लाइट पे बैठता है, फ्लाइट उड़ती है, उसके बाद वो पैराशूट पहनता है और फ्लाइट से कूद जाता है। उसके बाद से लेके आज तक किसी ने भी डीबी कूपर को दोबारा नहीं देखा। एफबीआई ने खूब सर्च करने की कोशिश की लेकिन वो डीबी कूपर को दोबारा ढूंढ ही नहीं पाई। फाइनली 2016 में एफबीआई ये फाइल हमेशा के लिए बंद कर देती है। गाइस, ये कोई फिल्मी घटना नहीं है, इसे आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। ऐसी ही मिस्टीरियस वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। यूपी के महोबा में एक अजीब सा वाक्या सामने आया। वहां पर एक शादी थी और दूल्हा दुल्हन मंडप पे जयमाला के लिए तैयार खड़े थे। इतने में ही दुल्हन ने दूल्हे को एक अजीब सी हरकत करते देखा और तब उसे कुछ गड़बड़ लगी, और तभी उसने दूल्हे से एक सवाल पूछा और कहा कि अगर तुम इसका जवाब दोगे तो मैं शादी करूंगी, नहीं तो नहीं। वो सवाल क्या था पता है? दुल्हन ने दूल्हे से 2 का पहाड़ा सुनाने को कहा था, लेकिन दूल्हा 2 का पहाड़ा भी नहीं सुना पाया। शादी टूट गई, लड़की ने ऑन द स्पॉट फेरे लेने से मना कर दिया। आपको क्या लगता है कि लड़की ने सही किया या गलत, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते अगली वीडियो में। इजराइल डिफेंस फोर्स ने रिसेंटली एक वीडियो शेयर किया जिसमें 11 मई की रात हमास द्वारा छोड़े गए बहुत सारे रॉकेट्स इजराइल की तरफ आते तो दिखते हैं लेकिन वो हवा में ही खत्म हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि कोई रक्षा कवच इजराइल की रक्षा कर रहा हो, लेकिन ये रक्षा कवच एक्चुअली इजराइल ने खुद ने बनाया है जिसका नाम है आयरन डोम। अभी कैसे काम करता है समझिए। जैसे ही कोई रॉकेट इजराइल की टेरिटरी में आता है इसकी भनक डोम के रडार को लग जाती है और डोम का रडार इसकी पोजीशन और इसकी टेरिटरी की इंफॉर्मेशन कंट्रोल सेंटर को देता है। अब अगर कंट्रोल सेंटर को लगता है कि दुश्मन का रॉकेट कहीं किसी रिहायशी इलाके या फिर किसी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग पे गिरने वाला है तो वो तुरंत एक कमांड रॉकेट लॉन्चर को पास करता है और रॉकेट लॉन्चर का रॉकेट तुरंत दुश्मन के रॉकेट को हवा में ही नेस्तो नाबूद कर देता है। गाइस, ये आयरन डोम की टेक्नोलॉजी आपको कैसे लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।